नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मेरा नाम है रोशन भूमियार। दोस्तों, क्रिकेट में भारत के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का खराब प्रदर्शन जारी है। मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा 17 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद टीम इंडिया की नई दीवार माने जाने वाले इस बल्लेबाज के फ्लॉप होने का असर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में पुजारा ने पहली पारी में 43 और दूसरी पारी में 0 रन बनाए थे। चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी इस दौरान अच्छी नहीं रही। पुजारा क्रीज पर टिकते तो हैं लेकिन रन नहीं बना पा रहे। मेलबर्न टेस्ट में पहली पारी में पुजारा ने 70 गेंद पर सिर्फ 17 रन बनाए। एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट की पारी में चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाने के लिए 160 गेंदें खेली, वहीं दूसरी पारी में पुजारा ने 8 गेंद खेलकर 0 पर चलते बने। ऐसे में नंबर 3 पर पुजारा की जगह को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। भारत के पास केएल राहुल जैसा स्टार बल्लेबाज है जो मौजूदा समय में बेहद शानदार फॉर्म में चल रहा है। केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 बैटिंग पोजीशन पर भारत के लिए लंबे समय तक अच्छा करने का दम रखते हैं। इसके अलावा राहुल विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, जिससे भारत को एक एक्स्ट्रा गेंदबाज या ऑलराउंडर या बल्लेबाज को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकता है। 32 साल के चेतेश्वर पुजारा के खराब फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पिछली 17 पारियों में एक भी शतक नहीं लगाया। चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार शतक 2 साल पहले 2018 में पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही लगाया था। पुजारा ने तब सिडनी में 193 रनों की पारी खेली थी। इस पारी के बाद उनका एक भी शतक नहीं आया, जो टीम इंडिया के लिए चिंता की बात है। इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। इस पारी में पुजारा ने 4 पारियों में सिर्फ 100 रन बनाए हैं और भारत ये सीरीज 2-0 से हार गया। चेतेश्वर पुजारा ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 18 शतक और 25 अर्धशतक जड़े हैं। पुजारा ने 78 टेस्ट मैचों में 48.22 की औसत से 5,883 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 206 रन रहा है। टेस्ट करियर में पुजारा के 3 दोहरे शतक भी हैं।